नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो पीयूष जोशी के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद से मैं पीयूष के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा लोग मेरे को काफी तरीके की चीजें बोल रहे थे जिनका रिप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दूंगी तो लोगों को लगेगा मैं गलत हूं, लेकिन इस पीयूष के केस में मैं बिल्कुल सही हूं। इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूं ताकि सब लोगों को मैं मुंह तोड़ और करारा जवाब दे सकूं। जिस जिस तरीके की बातें मुझे बोली जा रही है उन सबको यहां पे जवाब मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने पीयूष जोशी के लिए दो वीडियो बनाई है जिनमें मैंने उनको एक्सपोज किया है, तब से मैं देख रही हूं कि काफी ज्यादा लोग यूट्यूब के ऊपर आकर मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं, और मेरे को कॉमेंट में भी काफी सारे तरीके के कॉमेंट पढ़ने के लिए मिले थे। जो सबसे ज्यादा कॉमेंट मेरे को देखने के लिए मिले था या फिर वीडियो में भी मैंने जो बातें सुनी, वो सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि पायल जून, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम एक छोटे से बच्चे को रोस्ट कर रही हो। पीयूष जोशी तो 10 या 11 साल का बच्चा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तुम व्यूज के लिए उसके पीछे पड़ी हुई हो। सो गाइस, मैं बता दूं कि पहले तो मैं पीयूष जोशी के पीछे नहीं पड़ी हुई हूं, मैंने उनके लिए सिर्फ दो वीडियो बनाई है और दोनों वीडियो बिल्कुल सही है। मैंने उनमें ऐसे बिना सर पैर की बातें नहीं बोली है, मैंने उनमें बिल्कुल पॉइंट्स के साथ पीयूष को एक्सपोज किया है, ठीक है। तो मुझे ये ना बोले कि मैं पीयूष के पीछे पड़ी हुई हूं। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं या फिर पीयूष या फिर कोई भी दूसरा क्रिएटर, अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूट्यूब के ऊपर आकर वीडियो बना रहे हैं तो हम सारे के सारे इक्वल हैं। हम किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि उसकी एज कम है या एज ज्यादा, या वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पर है, वीडियो बना रहे हैं, हम सब इक्वल है। अगर पीयूष की गलती है तो हम उसे बताएंगे कि देखो तुम्हारी गलती है, हम उसे इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि उसकी एज कम है। तो ये रोना मेरे सामने मत रोया करो कि भाई वो तो छोटा बच्चा है, सब ठीक है यार, छोटा बच्चा है तो क्या करें, हम उसकी गलती है तो बताना पड़ेगा। और जैसे पीयूष की हरकतें हैं ना, उसको देखकर लगता है कि हमसे भी ज्यादा वो एज में। गाइज, अगर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इनर वेयर, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे वुमेन के और मेन के इनर वेयर आपको खरीदने हैं, वो भी सिर्फ एक रुपए में, तो अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए असम हब AXOMHUB। ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप एक रुपए में सामान खरीद सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो। बड़ा है, अगर छोटा है तो छोटा बच्चा बन के रहे ना यार, फिर मत बनाए वीडियो। अब क्या जरूरत है वीडियो बनाने की, वीडियो बना रहे हैं, अगर सब लोग देख रहे हैं तो जिसको जो जो लग रहा है बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे जब लोगों ने बोली कि पीयूष तो छोटा बच्चा है, मुझे बहुत हंसी आई। छोटा बच्चा है तो क्या करे, ऐसे तो मैं भी लड़की हूँ। जो जो लोग मेरे को रोस्ट कर रहे हैं, आप उन सबके कमेंट में जाके बोलो कि पायल सुन तो लड़की है, उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही है। तो ऐसे अगर लड़कियों के ऊपर बन रही है तो बच्चों के ऊपर भी बनेगी, और सबके ऊपर बनेगी यार, हम सब इक्वल है, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जहां तक मैंने बोला कि भाई पीयूष तो मुझे बच्चा भी नहीं लगता है, जिस तरीके की पीयूष की हरकतें हैं, कभी कभी मुझे लगता है वो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है। मैं बताऊं क्यों, अभी अभी मैं जस्ट थोड़े समय पहले रिसेंट एक वीडियो देख रही थी सौरभ जोशी का, जिसमें मैंने क्या देखा कि सौरभ जोशी कुछ बोल रहे थे अपने व्लॉग में, अपनी ऑडियंस से कुछ बातचीत कर रहे थे हेट वगैरह को लेकर जो उनको मिल रहा है, तो इस तरीके से कुछ बातचीत कर रहे थे। वहां पर पीयूष जोशी बैठे हुए थे, पीयूष जोशी ने सौरभ को उनकी बात भी कंप्लीट नहीं करने दी, उनके बीच में कूद पड़े। मैं देखो, मैं अगर आपको कम से कम भी बताऊं तो मैं पीयूष से 8 या 10 साल बड़ी हूं, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक अगर मेरे सामने कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो मैं उसकी बात बीच में नहीं काटती हूं, मैं उसको उनकी बात कंप्लीट करने देती हूं कि हां भाई आप बड़े हैं, आप बोलिए। लेकिन यहां पे पीयूष जोशी जो इतने ज्यादा छोटे हैं, वो अपने से 8 से 10 जो साल बड़े हैं सौरभ जोशी, उनको बीच में काट दे रहे हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, गाइस मैं आपको क्लिप दिखा देती हूं जहां पे पीयूष ने ये हरकत करी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी थी जो कि मेरे दिल में था, कि काफी लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते और वो सोचते हैं किसको नहीं आते रे। गाइज आपने देखा, यहाँ पे सौरभ जोशी कुछ बोल रहे थे, पीयूष ने उनको उनकी बात कंप्लीट नहीं करने दी और बीच में कूद पड़े। पहली बात तो आपको क्या जरूरत है किसी के बीच में बोलने की, इतना बड़ा आदमी आपसे अगर बातचीत कर रहा है तो यार उसको बोलने दो ना, आपसे 8-10 साल बड़े होंगे सौरभ जोशी। लेकिन फिर भी पीयूष जोशी ने बीच में बात काट दी। लोगों ने वीडियो बना रखी है कि भाई पीयूष जोशी का तो ये ठग लाइफ मूवमेंट हो गया, पीयूष जोशी रिप्लाई टू हेटर्स, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे सीधे सीधी एक चीज नजर आ रही है कि पीयूष जोशी ने काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है यहाँ पर, किसको, सौरभ जोशी को। और जबकि सौरभ जोशी ने उनको कुछ भी नहीं बोला, मेरे हिसाब से पीयूष को डांट मारनी चाहिए थी कि तुम मेरे बीच में कैसे बोल सकते हो, मैं तुमसे इतना बड़ा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे बात करने दिया करो। लेकिन कुछ भी नहीं बोला सौरभ जोशी ने, एज यूजुअल उनको बस थोड़ा सा बोल दिया कि भाई तू बीच में मत बोल, ऐसे बस चुपचाप, और कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज तो मुझे बहुत गलत लगती है सौरभ जोशी की। भाई सौरभ जोशी, आप उसके बड़े भाई हो, थोड़ी जिम्मेदारी तो लो, अगर उसकी गलती है तो उसे बताओ तो सही कि देखो भाई तुम्हारी यहाँ पे गलती है, कोई मतलब नहीं। सौरभ जोशी अपने ख्यालों में कोई रहते हैं, ऐसे है भाई वो।
और जहां तक दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताऊं, तो मैंने अपनी लास्ट की दोनों वीडियोस में ये चीज को कवर किया है कि हाँ भाई, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं सौरभ जोशी के अगेंस्ट और बोल रहे हैं कि पीयूष जोशी में अब बहुत ज्यादा घमंड आ गया है और वो थोड़े से बदतमीज हो गए हैं, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और इस पॉइंट पे मैं अभी भी स्टिक करती हूँ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, पीयूष जोशी सच में थोड़े से हो गए हैं अब बदतमीज। और ऐसा हो जाता है यार, अगर एकदम से हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, एकदम से बहुत ज्यादा फेम हमें मिलने लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा ही हो रहा है उनके साथ भी, एकदम से इतना ज्यादा जब पैसा मिल रहा है, एकदम से इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है वीडियो के ऊपर, तो थोड़ा बहुत घमंड तो उनके अंदर आ ही गया है, और उनके अंदर थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही आ गया है, क्योंकि उस चीज को ना वो एकदम से नहीं कर पा रहे यार कि इतना कैसे हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो इसी के लिए थोड़ा बहुत कमेंट उनमें आ गया है। अभी मैं एक बंदे की वीडियो देख रही थी, वो बंदा इतना प्यार से गया पीयूष जोशी के पास, वो मतलब मिलने गया था पीयूष और सौरभ से, तो पीयूष जोशी के पास जाके उसने उसके गाल टच किए ऐसे करके, और पीयूष ने इतनी रूटली वहां से ऐसे हट गया। अरे भाई, तुम छोटे से बच्चे, तुम्हारी गाल ही तो छुएगा ना, वो तुम्हारे पैर तो नहीं पकड़ेगा। वो बेचारा उसके गाल टच करने गया, तुम प्यार से भी बोल सकते थे नहीं नहीं भैया, मेरे को नहीं पसंद कोई मेरे गाल टच करे, बट पीयूष जोशी इतनी रूटली वहां से हटा, मुझे इतना बुरा लगा देख के कि वो बंदा मतलब तुमसे मिल रहा है इतनी खुश होके कि भाई ये तो सौरभ जोशी है, और पीयूष ऐसा बिहेव कर रहा है, और फिर भी सौरभ जोशी ने कुछ नहीं बोला पीयूष को कि भाई ऐसा बिहेव मत कर इतना रूडली। क्या बोला जाए जब सौरभ जोशी खुद ही वहां पे ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूं? आप लोगों को अभी भी मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा गाइस, मैं आपको पूरी क्लिप दिखा देती हूँ जिसमें वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा है। फोटो यार, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी देखो, मैंने सौरभ से जैसे मिला, ठीक है, मतलब हम लोग आ रहे, कितने लोग आ रहे, इतने लोग फोटो खिंचा रहे थे उनसे, एटलीस्ट बाहर आके फोटो खींचा लेते। ये नहीं क्लियर होना है कि मतलब यार तुम गाड़ी का शीशा डाउन कर दो और फिर एक मुंडी बाहर निकाल के फोटो खिंचा रहे हो, इतना आगे गए हैं, ठीक है, तो यार इतना एटीट्यूड होना भी सही बात नहीं है ना यार। गाइस, आपने ये क्लिप देखी, इस बंदे ने कितनी क्लियरली बताया है कि भाई ये कितने प्यार से मिलने गए थे सौरभ से और पीयूष से, लेकिन उन्होंने कितना गंदा बिहेव किया इनके साथ, जो कि बहुत गलत बात है। एटलीस्ट कोई आपसे मिलने आया, आप थोड़ी देर बाहर आके एक फोटो खिंचवा ले उनके साथ, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप एक बहुत बड़े लेवल पे हैं, अच्छी बात है, आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, बट मेरे दोस्त ये 4 दिन की चांदनी है, ये जरूरी नहीं है आपका हमेशा ऐसा ही रहे चैनल। हो सकता है आज आपका चैनल बहुत ऊंचा उड़ रहा है, हो सकता है कल को बिल्कुल डाउन चला जाए, तब क्या करेंगे आप? तब आपके पास कोई नहीं आएगा मिलने के लिए, ठीक है, और तब भी लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि हाँ, वो तो इतना घमंड करता था इसलिए आज उसका चैनल देखो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें 4 दिन की चांदनी है। ये घमंड करके किसी को कहीं नहीं जाना, अपना चैनल लेके नहीं जाएंगे हम अपने साथ में, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, तो मेरे हिसाब से इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है जो कि इन दोनों भाइयों में है। वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही इनसे कि भाई इतना सब कुछ इन्हें एकदम से कैसे मिल गया, जिन लोगों ने इनको यहाँ तक पहुंचाया है उन्हीं को भूल गए हैं अब ये, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत चीज है। और यही चीज मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, तो लोग भड़क गए कि भाई तुम तो छोटे बच्चे को बदतमीज बोल रहे हो, तो क्या बोला जाए उनको, जब है तो है। और जब मैंने सोचा था कि जितने भी लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं ना, सौरभ जोशी को रोस्ट कर रहे हैं और पीयूष जोशी को बदतमीज बोल रहे हैं, मुझे लगा वो व्यूज के लिए कर रहे होंगे, और वो बिल्कुल ऐसे झूठी बातें बोल रहे हैं, पीयूष ऐसे नहीं है, बट गाइस मैं गलत थी, पीयूष सच में है थोड़े से बदतमीज, और ये बात एकदम रियल है, मैंने आपको एकदम क्लियरली क्लिप दिखा दी मैंने आपको, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई कर दिया। और जहाँ तक मैं पीयूष की बात है कि भाई उनको फ्री में सब्सक्राइबर व्यूज मिल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी उनकी रिसेंट की वीडियो देखी जो इन्होंने डाल रखी है माइनक्राफ्ट की, मतलब यार इतने दुनिया भर के गेमर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी गेमिंग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है, ना उनको व्यूज आ रहे हैं ना कुछ। और यहाँ पे पीयूष को देखो, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए उसको, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले उसने अपनी गेमिंग की वीडियो डाली थी माइनक्राफ्ट। ऐसा क्या खास कर दिया उसने? कुछ नहीं किया उसने, वही किया जो कि बाकी लोग कर रहे हैं। और जहां तक मैंने उसकी गेमिंग देखी तो बाकियों से भी बहुत ज्यादा खराब किया, बट फिर भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसके यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई बेस्ट ऑफ लक, तो ये तो फलाना ढिमकाना। अरे पीयूष के जैसे और भी हजारों बच्चे आके यूट्यूब पे चैनल खोल के गेमिंग कर रहे हैं, उनके चैनल पे जाके कमेंट करो, क्यों कर रहे हो पीयूष के चैनल पर? पीयूष ही है क्या दुनिया में छोटा बच्चा जो कि मेहनत कर रहा है? अरे भाई, दुनिया भर के बच्चे इतने टैलेंटेड है, इतना ज्यादा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पीयूष जोशी, क्योंकि वो सौरभ जोशी के भाई है, सबको पता है सौरभ जोशी के हम पीछे पीछे करते हैं, थोड़ा चमचागिरी करते हैं, तो हमारा भी फायदा होगा, हो सकता है हम कल को उनसे मिलने चले जाए, हो सकता है हमारा उनके साथ मीटअप हो जाए, कोलैब हो जाए, तो हमें फायदा होगा। तो बस यहाँ पे सारे एक दूसरे के पीछे पीछे चमचागिरी कर रहे हैं, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती, मैंने ये चीज पहले भी बोल रखी है, जो चीज मेरे को गलत लगती है मैं क्लियरली बोलती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पीयूष छोटा बच्चा है या पीयूष बड़ा बच्चा है, अगर हम सब एक जगह है वीडियो बना रहे हैं, हम सब इक्वल है। और अगर इतने ही तुम छोटे बच्चे हो पीयूष, तो भाई अपनी वीडियो उसमें डाला करो ना, मेड फॉर किड्स में, इसकी वीडियो तो मेड फॉर किड्स भी नहीं होती, इसकी वीडियो तो सभी लोगों के लिए होती है, तो हम भी देखेंगे, हम भी अपने विचार रखेंगे, फिर तो यही बात है।
तो बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आई थिंक मैंने अपनी बात बहुत क्लियरली रखी है, और मेरे सामने प्लीज आप कोई भी मत आना ये बोलने के लिए कि छोटा बच्चा छोटा बच्चा, कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सब इक्वल है। और बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट हाँ यार जो भी हो रहा है मैं तो अभी भी इस चीज को बहुत गलत मानती हूँ, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं, और बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि गेमिंग कर रहे हैं या अच्छी अच्छी वीडियोज बना रहे हैं, बट उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनका कोई बड़ा भाई नहीं है, उनका कोई गॉड फादर नहीं है यूट्यूब पे, बट जिनके गॉड फादर है वो आगे निकल रहे हैं, और हम जैसे लोग ऐसे ही। मैं तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत अपने आप करके, चलो कुछ तो लोग मुझे देख रहे हैं ना, बाकी तो जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, तो एक है शॉर्ट्स और दूसरा है पीयूष जोशी, या फिर वो लोग जिनका कोई गॉड फादर है यूट्यूब पे, जो भाई भतीजा बात के दम पे आगे आ रहे हैं, बस वही लोग चल पा रहे हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं चल रहा है यूट्यूब पे। शॉर्ट्स को हटाओ पहले तो यार, उसके लिए कोई दूसरी एप्लीकेशन बनाओ। और कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बेफालतू में शॉर्ट्स वायरल होते रहेंगे, बट हाँ मैं क्या ही बोलूँ अब इस चीज़ को। खैर इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि शॉर्ट्स किस तरीके से पूरा यूट्यूब को र्यून कर रहा है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो को मैं गाइस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए, थैंक यू।